वेलकम स्टूडेंट्स कंबाइंड स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर मैं रवि जांगड़ा सभी का स्वागत करता हूं। तो बेटे आज जो क्लास होगी इस क्लास के अंदर मैं आप लोगों को बीकॉम के कंप्लीट कोर्स के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। ठीक है, फर्स्ट ईयर बीकॉम का, देन सेकेंड ईयर, देन फाइनल ईयर, एक एक करके हम सारे आपके कोर्स जो हैं उसके सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन देखेंगे जो टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दैट मीन्स अगर आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को कवर किया तो थियरी का पोर्शन आपका बहुत हद तक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट को मैं लेकर आया हूँ, अगर कोई सब्जेक्ट बीच में छूट भी गया है तो आप मुझे बता भी सकते हो। ठीक है, अपने कमेंट्स के दौरान अपने जो सजेशंस हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो अगर कोई सब्जेक्ट अगर ऐसे रह भी जाता है। ठीक है, इसके अलावा सेकंड थिंग ये है कि मैं इसकी पीडीएफ आपकी शेयर कर दूंगा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर। तो जो हम लोगों का इग्नू बीकॉम कंटेंट इस करके व्हाट्सएप का ग्रुप है उसमें इसकी पीडीएफ आपको दे दी जाएगी, वहाँ से इसको कम्प्लीटली आप इसको देख सकते हो और नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे हम सबसे पहले सब्जेक्ट की और एक एक करके हम डिस्कस करना शुरू करते हैं कि क्या है इम्पोर्टेंस और कितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे होंगे। तो अगर हम बात करें इन्वायरमेंट स्टडीज़ की तो उसके अंदर मैंने आपको जो क्वेश्चंस लिखवाए हैं वो आपके ये वाले हैं। ठीक है, लगभग आपके 9 क्वेश्चन हैं। ठीक है, ईवीएस के लिए अगर आप इन क्वेश्चंस को कवर कर लेते हो तो ईवीएस का जो कंटेंट है वो अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट और पीडीएफ आपको दे दी जाएगी, आप उसको अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, दूसरा सब्जेक्ट हमारे पास है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का भी इसी तरह से पीडीएफ मैंने दिया है कि अकाउंटिंग का नेचर वगैरह, इम्पोर्टेंस, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन मैंने इस पीडीएफ के अंदर प्रोवाइड किए हैं। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से कर लेंगे और इनको अच्छे से देख लेंगे। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में लगभग 13 क्वेश्चन आपके टोटल। ठीक है, उसके बाद BCOC 132 बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट, ये आपका सब्जेक्ट है। तो आगे देखिए भाई, हम बात कर रहे हैं BCOC 132 बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। तो इस टॉपिक से इस सब्जेक्ट के आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो वो क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ बता दिए, MNC वगैरह, ऑर्गेनाइजिंग क्या है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज़, ह्यूमन रिसोर्सेज, कंट्रोलिंग, सारा टॉपिक मैंने कवर करा है, कुछ भी नहीं छोड़ा। नेक्स्ट आपके पास कोड आता है BEGLA, इंग्लिश इन डेली लाइफ, ये आपका सब्जेक्ट होता है। तो इसमें भी 2-4 क्वेश्चन हैं जो आपको कर लेने चाहिए, बाकी इसमें कुछ कह नहीं सकते क्योंकि बहुत ही बेसिक सब्जेक्ट है, इसमें ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, है ना, बेसिक नॉलेज ही पूछते हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो एक तो आप ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन वाला क्वेश्चन है, ये आप कर सकते हो, और उसके अलावा कन्वर्सेशन क्या होती है। ठीक है, और पब्लिक सर्विस का कम्युनिकेशन में क्या रोल है, ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। देन आपके पास इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल BEGLE 182, ये सब्जेक्ट कोड है। तो इसमें आपके ये क्वेश्चन है, व्हाट इज़ कम्युनिकेशन, व्हाट इज़ ग्रुप डिस्कशन, देन आपका फॉर्मल लेटर आपको आना चाहिए लिखना, राइटिंग स्किल आपकी अच्छी हो, वर्बल और नॉन वर्बल, ठीक है, किस तरह से होता है, गुड प्रेजेंटेशन कैसे है, और वोकैबुलरी कम्युनिकेशन में कैसे इफ़ेक्टिव रोल प्ले करेगी, एंड आपका रीडिंग एबिलिटी किस तरह से कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करता है। ठीक, उसके बाद BCOC 133 बिजनेस लॉ का आपका सब्जेक्ट है जिसमें आपके ये सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, इनको अच्छे से करेंगे। ठीक है, और हम जो क्लासेस कर रहे हैं उसके अंदर भी हम इनको कवर करेंगे। ठीक है, देन हमारे पास सब्जेक्ट है बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स जिसका सब्जेक्ट कोड है BCOC 134, जिसके अंदर मैथ के अंदर अगर बात की जाए तो आपको एडजॉइंट निकालना आना चाहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इनवर्स निकालना आना चाहिए। ठीक है, आइडेंटिटी कैसे निकालते हैं, आपको एक आइडेंटिटी पढ़नी होती है, ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी इनटू ए, ये एक प्रॉपर्टी है, ये आप इसमें पढ़ते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देन सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक कैसे होगा, ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट है, कंपाउंड इंटरेस्ट, एन्यूटी पेमेंट, ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा और डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं, ये आपको आना चाहिए।
और स्टैट की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपका इंडेक्स नंबर, कोरिलेशन, डिस्पर्जन, ठीक है, ये थियरी के क्वेश्चन हैं कुछ, वो आप देख लेंगे। देन हमारे पास है 136 इंग्लिश वर्क प्लेस का आपका, तो इसमें जॉब लेटर आपको लिखना आना चाहिए, सीवी कैसे बनाते हैं, रिज्यूम कैसे बनाते हैं, फॉर्मेट आपको अच्छे से होने चाहिए, इंटरव्यू, एडवर्टीजमेंट, बिजनेस लेटर, प्रेजेंटेशन, ईमेल, कस्टमर सर्विसेज, ये सारे टॉपिक हैं जो आपको कर लेने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज है तो यहाँ कोई भी टॉपिक आपका बन सकता है। इनमें आप सिर्फ फॉर्मेट तैयार करेंगे। उसके बाद आपका कंपनी लॉ है, BCOC 135, ये सब्जेक्ट कोड है, इसको कंप्लीट आप देखेंगे, ठीक है। देन हम लोगों के पास आता है कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस, BCOC 183, ठीक है, इसमें मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सारे डाल दिए हैं, ठीक है, ये आपके सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, यहाँ तक कंप्लीट है। इसके बाद बिजनेस कम्युनिकेशन, BCOLA 138, ये आपका सब्जेक्ट कोड, ठीक है, तो सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही हैं और मैंने हर एक सब्जेक्ट इसमें चूज़ कर लिया है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फिर आपका कॉस्ट अकाउंटिंग है, BCOC 137, ठीक है, कॉस्ट क्या है, इम्पोर्टेंस इसकी क्या है, फंक्शन कैसे होंगे, ये सारी चीज़ें, ठीक है। मैंने इसमें थियरी कवर करी है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं खुद करवाऊंगा, थियरी कवर करने के लिए आप इसको रेफ़र कर सकते हो, प्रैक्टिकल के लिए आप नहीं करेंगे, ठीक है। देन BCOC 184 ई कॉमर्स का आपका सब्जेक्ट होता है एक, तो उसके भी थियरी के क्वेश्चन हैं ये सारे, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन कर लेंगे। देन है प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग, BCOE 141, ये आपका फाइनल का सब्जेक्ट है, फाइनल ईयर का, यहाँ से फाइनल ईयर स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, मार्केटिंग के ऊपर है ये आपका, पूरे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने इसमें कवर कर दिए हैं सारे के सारे, देख लीजिएगा, ठीक है, जब आपको PDF दे जाएगी तो उसमें आप देखेंगे। फिर आपका है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, BCOE 143, यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट थियरी के क्वेश्चन है, और इसके अलावा हम इसमें प्रैक्टिकल भी सीखेंगे, कैसे प्रैक्टिकल करने हैं, ठीक है। देन आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स है, BCOG 171, ठीक है, इसके आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, माइक्रो इकोनॉमिक्स आप पढ़ते हो, क्या क्या उसमें थियरी क्वेश्चन बन सकते हैं वो इसमें कवर कर दिए गए हैं। एंड देन आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग, BCOE 142, इसके भी आपके थियरी के क्वेश्चन सारे कवर कर दिए हैं बच्चे, ठीक है। एंड इसके अलावा हम लोगों का इनकम टैक्स, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा रीअपेयर लेते हैं इनकम टैक्स में, तो इसके बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरी के क्वेश्चन हैं और इनसे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट मैंने इसमें कवर किए हैं। देन आपका कॉरपोरेट अकाउंटिंग है, जो हमने अभी सब्जेक्ट चल ही रहा है हमारा, ठीक है, तो कहने का यही मतलब है कि मैंने सारे सब्जेक्ट कवर कर दिए हैं, कोई भी सब्जेक्ट नहीं छोड़ा, ठीक है। तो आप लोगों का काम सिर्फ इतना है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है कंबाइंड स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल को, और इसको लाइक कर देना है, ठीक है। और PDF के लिए मैंने बता दिया, मैं आपके WhatsApp ग्रुप में इसकी PDF दे दूंगा, वहाँ से आप इसे देख सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। मैंने कंबाइनली सारे क्वेश्चन बता दिए हर एक सब्जेक्ट का, ठीक है, अगर फिर भी कोई सब्जेक्ट बच जाता है तो सब्जेक्ट का कोड आप जो है मेंशन करेंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू सो मच।